हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है अंजन कुमार। आप देख रहे हैं मेरा चैनल सीएनसी कैड कॉम अंजन कुमार। आज हम फार्मिल 2020 में देखेंगे, टूल पाथ में देखेंगे हम आज फ्यूचर मशीनिंग। हम जब फ्यूचर मशीनिंग में, ये हमारा उतना सारा टूल पाथ है, उसको हम एक एक करके देखेंगे। इससे पहले हमारा 3D पूरा हो गया और कोरो मशीनिंग हो गया और फिनिशिंग में भी हो गया। हम अभी फ्यूचर मशीनिंग करेंगे, ये स्टार्ट करेंगे अभी। अभी स्टार्टिंग से हम पूरा एक एक करेंगे। अगर मेरा वीडियो, जो पहले का वीडियो नहीं देखा होगा आप लोग, जाके मेरा प्लेलिस्ट में, चैनल में जाके देख सकते हैं। ये 3D एरिया क्लियरेंस, उसमें पूरा मशीनिंग, रफिंग का और करू मशीनिंग का पूरा, और फिनिशिंग में पावर मिल में पूरा जो टूल पथ है वो पूरा देख सकते हैं। अभी आज हम करेंगे फ्यूचर मशीनिंग में फ्यूचर एरिया क्लियरेंस। फ्यूचर एरिया क्लियरेंस करने के लिए हम एक मॉडल को इनपुट करेंगे। मॉडल इनपुट करके उसमें हम करेंगे फ्यूचर एरिया क्लियरेंस। ओके फ्रेंड, इसको हम कैंसिल करते हैं। एक मॉडल हम ओपन करते हैं। एक हमारा यहाँ पे मॉडल ओपन करने के लिए फाइल में जाके इंपोर्ट में जाके हम एग्जांपल से ले लेंगे मॉडल, क्योंकि एग्जांपल्स में सबके पास अवेलेबल रहता, कोई भी वहाँ से जाके ट्रायल कर सकते। ओके, इसको हम एग्जांपल में जाएंगे। एक 2D ये मैक्सिमम जो है, एक 2D प्रोग्राम है, 3D पॉकेट डीजे के ले लेंगे ये वाला, सिलेक्ट करके ओपन टॉप व्यू। हमारा ये जो मॉडल है इसमें हम करेंगे, ये हमारा मॉडल आ गया। नेक्स्ट हम करेंगे ब्लॉक में जाके हम कैलकुलेट करेंगे। हमारा ब्लॉक आ गया, ये जो है हमारा, ये ब्लॉक है जो हमारा रॉ मटेरियल है, जो कुछ भी नहीं हुआ उसमें, हम इसमें पकड़ करेंगे। ओके, ये हमारा मॉडल है। वो ब्लॉक में, हमारा ये ब्लॉक में ऐसा पकड़ आएगा। ओके, हमारा मॉडल आ गया, ब्लॉक आ गया। नेक्स्ट जो है हमारा है वर्क प्लान क्रिएट करना। वर्क प्लान क्रिएट करने के लिए हम वर्क प्लान से इसमें जाएंगे, नहीं तो यहाँ पे वर्क प्लान क्रिएट, वर्क प्लान इसमें भी जाके कर सकते। हम सपोज इसमें जाके करेंगे, आप लोग कहाँ पे भी जाके कर सकते, इसको वर्क प्लान में यहाँ पे जाके कर सकते, नहीं तो यहाँ क्रिएट वर्क प्लान में जाके, इसमें अलग अलग वर्क प्लान से इसमें जाके भी कर सकते। हम जाके करेंगे इसमें, इसमें राइट क्लिक करने के बाद क्रिएट वर्क प्लान में वर्क प्लान पोजिशन यूजिंग ब्लॉक। इसमें करें तो सिंपल क्या होता, ये जो हमारा ऑटोमेटिक पॉइंट डिटेक्ट करता, हमको खाली सिलेक्ट करने का रहता कौन सा पॉइंट हम 0 सेट करने के। हमारा ये कॉर्नर में 0 है पहले से, जो डिफॉल्ट है कॉर्नर में, मॉडल में 0 है, लेकिन हम कॉर्नर में नहीं करेंगे, हम सेंटर में करेंगे। क्योंकि सेंटर में करें तो मैक्सिमम हमारा जो ऑपरेटिंग करने का टाइम है, ऑफसेट लेने के लिए सिंपल होता है डायल से लेने के लिए, और एज है तो थोड़ा डायल से थोड़ा क्रिटिकल होता, हम सेंटर ले लेंगे। सेंटर सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे, ओके, ये पॉइंट सेलेक्ट कर यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये हमारा वर्क प्लान आ गया। वर्क प्लान आ गया जो पहले डिफॉल्ट वाला वर्क प्लान, इसको हम हाइड कर देंगे। व्यू में जाके ट्रांसफर में इसमें टिक करके हम इसको और एक बार क्लिक करें तो ऑटोमेटिक हाइड हो जाता है। ओके, नेक्स्ट हम आ जाएंगे होम टैब में। ये हमारा वर्क प्लान आ गया लेकिन एक्टिव नहीं हुआ, इसको हम एक्टिव करेंगे। वर्क प्लान्स में जाके प्लस आइकन क्लिक करके, यहाँ पे ये वर्क प्लान दिख रहा है हमारे को, इसमें राइट क्लिक करके एक्टिव। ये अभी एक्टिव हो गया। एक्टिव होने के बाद हमारा क्या हुआ,
ब्लॉक थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, इसको हम सेट करेंगे पहले, फिर ब्लॉक में जाके और एक बार सिंपल कैलकुलेट करेंगे बस। वो क्या होता है, एक्टिव वर्कलाइन के हिसाब से ब्लॉक एक्टिव। ये हो गया हमारा, ब्लॉक हो गया, वर्कलाइन हो गया। नेक्स्ट जो है हमारा फ्यूचर मशीनिंग करने के लिए, हमारे को पहले फ्यूचर सेट करना पड़ता है। फ्यूचर सेट करने के बाद हम टूल पाथ में जाके फ्यूचर मशीनिंग कर सकते। टूल पाथ में जाके भी कर सकते लेकिन पहले से सेट करे तो अच्छा रहता, इसलिए हम पहले से सेट करेंगे। यहाँ पे ये जो पूरा एक्टिव मशीन एनसी प्रोग्राम सेटअप टूल पाथ टूल्स पूरा हम क्या क्या क्रिएट करे थे, यहाँ से यहाँ पे पूरा एक एक पूरा सीरियली आएगा। अगर टूल पथ हम कर रहे तो टूल पथ कितना करे तो टूल पथ में आएगा, टूल कितना क्रिएट करे तो टूल में आएगा, बाउंड्री क्रिएट करते बाउंड्री, पैटर्न क्रिएट करते पैटर्न में आएगा, यहाँ पे फ्यूचर ग्रुप क्रिएट करते फ्यूचर ग्रुप, तो पूरा क्या क्या क्रिएट करते उतना हमारा एक 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 इसमें ऐड होता जाएगा। ओके, हमारा अभी फ्यूचर ग्रुप सेट करने के, इसमें राइट क्लिक करके क्रिएट फ्यूचर ग्रुप इसमें जाएंगे, हमारा फ्यूचर ग्रुप यहाँ पे आ गया। लेकिन ये जो है ये खाली है, एम्प्टी रहता है, इसके अंदर में कुछ नहीं रहता। इसको हम सिलेक्ट करके फ्यूचर एडिटर में जाएंगे, फ्यूचर एडिटर में जाके हम इसको सिलेक्ट करेंगे कौन सा एरिया हमारा को मशीनिंग करने का। डिटेक्ट फ्यूचर में जाएंगे, डिटेक्ट फ्यूचर डिटेक्ट, इसमें जाके हम सिंपल मॉडल का ऊपर, ये सिंगल है तो सिंगल सिलेक्ट होता, अगर इसमें हैरी सी सिलेक्ट किया तो ये पूरा को डिटेक्ट करता, और सिमिलर सिलेक्ट कर दो सिमिलर को डिटेक्ट करता। हमको क्या चाहिए वो हम सिलेक्ट करेंगे। अभी हम पूरा पकड़ करने का है, हम सिमिलर ले लेंगे, आप कौन सा भी ले सकते हैं। डिटेक्ट ऑल है तो डिटेक्ट ऑल करता वो ऑटोमेटिक डिटेक्ट ऑल करेगा। हम सिमिलर ले तो सिमिलर को करेगा, डिटेक्ट ऑल कर सिलेक्ट कर दिया, उसको हम कैंसिल कर देंगे, रीसेट कैंसिल हो गया। सिमिलर ले तो सिमिलर, डिटेक्ट ऑल करे तो हमारे को क्या होता, ये जो बाहर का जो है वो भी ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर दे रहे, सिलेक्ट हो जा रहे। ये क्योंकि ये हमारे को नहीं चाहिए, हमारे को ये पॉकेट चाहिए, बाहर का नहीं चाहिए। ये डिटेक्ट ऑल करे तो बाहर भी सिलेक्ट हो जा रहे, फिर हमारे को बाद में डिलीट करना पड़ता, इसलिए हम सिमिलर ले लेंगे। सिमिलर ले तो एक पॉकेट को जाए तो वो पूरा पॉकेट सेम है, इसलिए वो सिमिलर हम अलग अलग जगह में अलग अलग इसमें ऑप्शन लेके हम सिलेक्ट करेंगे। एक पकड़ लिया तो पूरा पकड़ सिमिलर रहे, वो पकड़ पूरा डिटेक्ट करता। ओके, हम अभी एक पकड़ सिलेक्ट करेंगे, पूरा सिलेक्ट हो गया, हमारा फ्यूचर यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया, फ्यूचर यहाँ पे आ गया। यहाँ पे देखे तो कितना पकड़ है उतना यहाँ पे आ गया, 24 है। यहाँ से एक्सेप्ट, ये हमारा फ्यूचर सिलेक्ट हो गया। नेक्स्ट हम जाएंगे टूल पथ में, पहले से भी टूल क्रिएट कर सकते हैं। अगर टूल पहले क्रिएट करना है तो पहले से भी टूल हम क्रिएट कर सकते हैं, नहीं तो टूल पथ के अंदर जाके भी क्रिएट कर सकते। ठीक है, हम पहले भी कर देंगे टूल क्रिएट। वहाँ पे क्रिएट टूल में जाएंगे, ये जो आरो दिख रहा है छोटा आरो, इसमें क्लिक करेंगे। एंड मिल हमारे को यहाँ पे ये फ्लैट एरिया है, इसलिए हम एंड मिल ले लेंगे। एंड मिल लेके हम इसको कितना एंड मिल ले लेंगे, इसका रेडियस देखेंगे कितना है, वो हिसाब से हम एंड मिल ले लेंगे। रेडियस हमारा कितना है, यहाँ पे R5 है, हम 10 लेके कर सकते हैं। हम सिंपल
हम ले लेंगे हम यहाँ पे ले लेंगे 8 फ्लैट लेंगे, 8 यहाँ पे 8 दे देंगे, डाल देंगे, बिल्लें तो ऑटोमेटिक आ गया। और हमको अगर देना है तो लेंथ तो यहाँ पे दे सकते, 50 हम दे दो। यहाँ पे टूल का नाम 8 फ्लैट एंड मिल, एक फ्लैट एंड में हमारा टूल का नाम हो गया। और यहाँ पे टूल का नंबर दे सकते हैं हम, कितना 1 2 3 कौन से भी, अब 1 लगा दिया। फ्लूट, फ्लूट हमारा नंबर ऑफ फ्लूट 4 है, ओके। इसका काम उतना हो गया हमारा। अगर होल्डर ऐड करना है तो कर सकते, सैंक, सैंक ऐड करना, सैंक लेंथ कितना है हमारा, सैंक लेंथ सपोज जो हमारा 20 mm है, टूल का लेंथ बढ़ जाता है, सैंक ऐड कर दो टूल का लेंथ बढ़ जाएगा, ये हमारा सैंक हो गया। और होल्डर ऐड करते हुए होल्डर भी ऐड कर सकते हम, हाँ पैसा प्लस आइकन में होल्डर ऐड कर सकते, लेंथ है ओवरऑल 24 है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 10 कम हो जाएगा, यहाँ पे 20, ये गेज लेंथ हमारा 70 है, ओवरऑल 24 है, इसका हम करेंगे 20, ये जो 70 है हम इसको करेंगे ऊपर जाने का है, और थोड़ा ज़्यादा करेंगे 60 कर देंगे, हाँ 50 है तो 60 करेंगे, 10 mm उसके अंदर में रहेगा। और इसका डाया जो है होल्डर का, इसमें स्टार्टिंग डाया हम रखेंगे 20, ऊपर का डाया 20 और ऊपर का डाया हम रखेंगे और थोड़ा ज़्यादा रखेंगे 30, ओके ऐसे हमारा होल्डर हो गया, ये हो गया हमारा। और एक ऐड करेंगे उसके ऊपर में, उसके ऊपर ऐड करते यहाँ पे 30 30 हो गया, लेंथ हमारा 20, ऐसे हमारा होल्डर ऐड हो गया। ये हमारा होल्डर ऐड हो गया, ओके। टूल का काम हो गया, हम यहाँ पे टूल आ गया 8 फ्लैट 8 mm। नेक्स्ट हमारा ये हमारा ऐसा आ गया टूल, टूल होल्डर। नेक्स्ट हम जाएंगे टूल पथ में, अभी नेक्स्ट टूल पथ, टूल पथ में हम फ्यूचर मशीनिंग, अभी फ्यूचर मशीनिंग में हम फ्यूचर एरिया क्लियर सेलेक्ट किया, ओके। हमारा यहाँ पे पूरा ऑप्शन शो हो जा रहे होने के बाद हम यहाँ पे स्टार्टिंग में हम क्या करेंगे, उसका नाम कुछ रखेंगे, टूल पथ का नाम हम रखेंगे 8 फ्लैट पॉकेट ड्रॉप, ओके 8 फ्लैट पॉकेट ड्रॉप हम उसका नाम रख दिया। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट आएंगे क्या, इधर से हम स्टार्टिंग से एक एक कंप्लीट करके आएंगे। ये जो डायरेक्ट ओपन होता है ये क्या, डायरेक्ट फ्यूचर एरिया क्लियरेंस का ऑप्शन ओपन हो जाता है, हम इसका इसको बाद में जाएंगे, हम स्टार्टिंग से हम एक 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 कंप्लीट करके आएंगे। पहले देखेंगे हमारा टूलपथ का नाम हो गया, नेक्स्ट जाएंगे हम फ्यूचर्स, फ्यूचर से हम फ्यूचर में क्या है हमारा फ्यूचर का नाम यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ता है, अगर ये ज़्यादा फ्यूचर है यहाँ पे हम क्लिक करके
ये सीरियल में आएगा, 1 2 3 4 ऐसा आएगा, इसको हम सिलेक्ट कर सकते हैं, कौन सा हमारे को चाहिए वो सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट हमें वर्क प्लान हमारा सिलेक्ट करके है, ब्लॉक हमारा करके है, टूल हमारा करके है, मशीन ये हमारे को ज़रूरत नहीं। लिमिट में हम क्या रखेंगे, लिमिट में हम ये सेट कर सकते हैं, बाउंड्री सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर बाउंड्री देने का है तो। और इसमें स्टार्ट डेप्थ एंड डेप्थ सेट कर सकते हैं हम, पहले वीडियो में मैं बताया बहुत वीडियो में, वो भी आप लोग देख सकते हैं जाके लिमिट कैसे सेट करते हैं। और नेक्स्ट हम जाएंगे फ्यूचर ईयर क्लियरेंस। फ्यूचर ईयर क्लियरेंस में हम यहाँ पे अपसाइड ऑल है, यहाँ पे अलग अलग भी है, हम इसको कौन सा चाहिए वो लगा कर कर सकते हो। यहाँ पे हम रखेंगे अपसाइड ऑल। नेक्स्ट हम जाएंगे कट डायरेक्शन प्रोफाइल में, हम जाएंगे यहाँ पे क्लाइम एरिया में भी रखेंगे क्लाइम। टॉलरेंस हमारा 0.1, ये रफिंग है तो 0.1 रख सकते हम, 0.05। फिनिशिंग है तो थोड़ा कम रखेंगे, 0.01 ऐसे रख सकते। नेक्स्ट हम आएंगे यहाँ पे स्टॉक थिकनेस, यहाँ जो है ये स्टॉक रखने के लिए, ये हमारा 1 mm है डिफॉल्ट आता, अगर चाहिए 0.2 रखेंगे पर साइड। साइड और वॉल और फ्लोर ये दोनों आता, अगर हमारे को अलग अलग चाहिए यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, क्लिक करते वो दोनों अलग अलग हो जाते। यहाँ पे साइड में हम 0.2 रखेंगे, फ्लोर में हम 0.1 रखेंगे। ओके, ये हमारा हो गया। जो स्टेप ओवर हमारा कटर जो है 8 mm का है, 8 mm का 50% से 60% रख सकते हम। कटर का जो डायमीटर है उसका 50% से 60% रखे तो पूरा क्लियर हो जाता है, मटेरियल नहीं छोड़ता। फ्लैट कटर है तो 75% भी रख सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं। अगर बुलनोज है तो कॉर्नर रेडियस है तो 50% रखेंगे, वही अच्छा रहता। हम यहाँ पे रखेंगे 5 mm। और इसमें हम डेप्थ ऑफ कट में हम रखेंगे 1 mm। ओके, ये जो है डेप्थ ऑफ कट है, इसमें डायरेक्ट रेस्ट मशीन का भी आता, अगर रेस्ट मशीन करने का तो रेस्ट मशीन भी कर सकते। हम नेक्स्ट प्रोग्राम में देखेंगे रेस्ट मशीनिंग, इसमें भी देखेंगे कैसे करना है। ये तो स्टार्टिंग है, नेक्स्ट पूरा क्लियर करेंगे। और नेक्स्ट आया अपसाइड, अपसाइड में हम रखेंगे ये ऑटो है ऑटोमेटिक, ऐसे ही छोड़ देंगे। और स्टेप कट इसको कुछ नहीं करेंगे, फिनिशिंग उसको कुछ नहीं करेंगे। ऑन सब सेगमेंट रिमूवल इसको हम कुछ भी नहीं करेंगे, ये ज़रूरत नहीं हमारा। हाई स्पीड ऐसे ही छोड़ देंगे। ये ऑर्डर पॉकेट और लेबल, हमारा को पॉकेट चाहिए क्योंकि लेबल रखे तो हमारे को क्या होता, एक ही कट पूरा पॉकेट में जाता, फिर नेक्स्ट स्टार्टिंग में आके फिर एक कट जाता, ऐसा है। पॉकेट है तो पूरा एक कंप्लीट करके दूसरे पॉकेट को जाता। और ये अप्रोच हमारा हार्ड अप्रोच, हम आउटसाइड इसको बंद करेंगे हमारा, क्योंकि हमारा जो हो रहे पॉकेट हो रहे। नेक्स्ट हम ऑटोमेटिक वेरिफिकेशन, यहाँ पे हम चेक लगाएंगे। ओके, ये इतना है, उतना कंप्लीट करने के बाद हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। यह हमारा प्रोसेस हो रहा है, हमारा हो गया टूल पर जनरेट हो गया, इसका हम क्लोज करेंगे, यहाँ से सिंपल क्लोज कर देंगे। यहाँ पे हमारा ऐसे हमारा टूल पर आ गया। ओके, इसको हम एक बार वेरीफाई करके देखेंगे कैसे हमारा टूल पर कटिंग हो रहा है। यहाँ पे टूल पर से इसमें प्लस आइकन है, इसमें क्लिक करें तो यहाँ पे हमारे को टूल पर दिखता है। ओके, यहाँ पे राइट क्लिक करके सिमुलेशन फ्रॉम स्टार्ट, इसमें करने के बाद ये जो ऑफ दिख रहा है हमारा, इसको क्लिक करें।
इसको क्लिक करने के बाद ये मॉडल है, मॉडल में हम फिक्स डायरेक्शन रखेंगे और यहाँ पे शेडिंग में रेनबो रखेंगे। यहाँ पे अभी सिंपल प्ले करेंगे, ये हमारा पकेट कटिंग हो रहा है। इसको कितना स्पीड रखते है ये फास्ट हो जाता है। इसमें हमारा क्या आ रहा है, टूल एक कट होने के बाद टूल ऑटोमेटिक ऊपर आ रहा है, ये हमारे को नहीं चाहिए। इसको हम सेट करेंगे, टूल अंदर ही कट होना, ऊपर नहीं आना। ये हमारा पॉकेट पूरा कंप्लीट हो गया। इसको हम एग्जिट करेंगे। इसको जो टूल हमारा ये कट होने के बाद ऊपर आ रहे, ऐसा सिमुलेशन करके सिंपल देखे तो हाँ भाई ऐसा एक कट हो रहा है, ऊपर आ रहे, फिर एक कट हो रहा है, ऐसा ऊपर आ रहा है। ये हमारे को नहीं चाहिए। इसके लिए हम करेंगे क्या, होम टैब में जाएंगे, यहाँ पे टूल पाथ कनेक्शन है, इसका ऊपर क्लिक करेंगे। इसमें कुछ सेट करना पड़ता है, सेव एरिया कैलकुलेट करेंगे, मूव एंड क्लियरेंस इसमें हम रखेंगे 1 mm, और स्टार्ट एंड एंड पॉइंट में हम रखेंगे। यहाँ पे डिफॉल्ट जो है ब्लॉक सेंटर सेव रहता है, यहाँ पे हम रखेंगे फास्ट पॉइंट सेव, और नेक्स्ट लीड इन लीड आउट, लीड इन में हम रखेंगे इसको बाद में देखेंगे, लिंक्स में हम रखेंगे, सेव का जगह में हम रखेंगे ऑन सरफेस इंक्रीमेंटल सेव। इसको अप्लाई करके देखेंगे, अप्लाई एक्सेल, यहाँ पे सिमुलेशन फ्रॉम स्टार्ट, स्टार्ट किया, फिर भी हमारा ऊपर आ रहा है। इसको हम करेंगे और अगर हम टूल जाएंगे टूल पाथ कनेक्शन में जाके यहाँ पे लीड इन में हम रखेंगे, लिंक्स में रखेंगे हम सर्कुलर आर्क, यहाँ पे सेकंड में भी रखेंगे सर्कुलर आर्क, अप्लाई एक्सेप्ट। इसको हम रखेंगे अभी सिमुलेशन फ्रॉम स्टार्ट, यहाँ पे अभी हमारा टूल जो है ऊपर नहीं जा रहा है। ओके, एक बार डाउन हो रहे, लास्ट में पूरा कंप्लीट होने के बाद ऊपर जाएगा, पूरा कंप्लीट पकड़ कंप्लीट होने के बाद ऊपर जाएगा। एक बार हम सेट करना पड़ता है इसको, होम टैब में जाके टूल पर कनेक्शन में ये सेट करे थे कमर को, सेट हो जाता है। ओके, इसमें और एक है, अगर हमारा को ये पूरा पकेट नहीं चाहिए, कुछ पकेट चाहिए हमारे को, ये इधर दो चाहिए, इधर दो चाहिए, इधर दो, इधर दो, ऐसा उतना चाहिए, हम क्या करेंगे सिंपल, इसको हम अभी यहाँ से कॉपी करेंगे। ओके, ये बंद करेंगे, ये हमारा 1-1 है, इसको हम टूल पद में भी कॉपी करेंगे, कॉपी टूल पद, ये सेकंड वाला टूल पद को हम एडिट करेंगे। सेटिंग में जाके राइट क्लिक सेटिंग, सेटिंग में जाके हम यहाँ पे सेटिंग, सेटिंग में जाने के बाद फ्यूचर में हम ये वाला, हम सेकंड वाला चाहिए, सेकंड वाला में हम चाहिए पूरा, हम यहाँ पे डी सिलेक्ट ऑल फ्यूचर कर दिया, यहाँ पे डी सिलेक्ट कर दिया, और यहाँ पे सिलेक्ट ऑल मशीन फ्यूचर, पूरा ऑल सिलेक्ट हो जाता है। हमारे को डी सिलेक्ट करके हम एक एक इंडिविजुअल सिलेक्ट करेंगे, एक एक कौन सा चाहिए हमारे को,
कुमार को। हम सिलेक्ट करेंगे कौन सा, ए वाला, फर्स्ट वाला, सॉरी ये नहीं, हमारा फर्स्ट ए वाला चाहिए, थोड़ा साइड में रखेंगे। कौन सा चाहिए हम सिलेक्ट करेंगे। ये तो पूरा डिसलेक्ट किया यहाँ पे, तो बंद कर देंगे। ये हमारा दिख रहे, हमारा ये चाहिए फर्स्ट वाला, ये नहीं चाहिए फर्स्ट वाला। हम कौन सा फर्स्ट वाला है, ये वाला फर्स्ट है, हम इसको निकालेंगे। ये हमारा फर्स्ट है। नेक्स्ट हम ये नहीं चाहिए, अगर नहीं चाहिए तो कंट्रोल पकड़ के हम और एक बार सिलेक्ट कर दो, वो ऑटोमेटिक क्लियर हो जाता। हम कौन सा चाहिए, ये वाला चाहिए, और ये नहीं चाहिए, रॉन्ग सिलेक्ट हो गया था, कंट्रोल पकड़ के और एक बार सिलेक्ट कर सकते हैं। ये चाहिए यहाँ पे, ये नहीं चाहिए, इसको कंट्रोल पकड़ के और एक बार सिलेक्ट कर दो। 10 नंबर, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये चाहिए, और यहाँ पे ये नहीं चाहिए, ये वाला चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। हमारे दो साइड में ऐसा बस, ये चार हमारे को अभी, हम उतना यहाँ पे दो, यहाँ पे दो, यहाँ पे दो, यहाँ पे दो, ये हमारा 8 पकड़ चाहिए। ये उतना सिलेक्ट हो गया हमारा। अगर कौन सा रॉन्ग सिलेक्ट है तो कंट्रोल पकड़ के और एक बार उसके ऊपर क्लिक कर दो, वो क्लियर हो जाता, डिसलेक्ट हो जाता। ओके, ये हम अभी यहाँ पे हमारा सिलेक्ट हो गया, सिलेक्शन हो गया, हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे सिंपल। यह हमारा यहाँ पे कौन सा चाहिए, हम वो सिलेक्ट किए। अभी मशीनिंग करें तो हमारा टूल पथ इसमें 8 में आएगा, बाकी में नहीं आएगा। इसको एक बार सिमुलेशन करके देखेंगे, इससे हमें फिक्स डायरेक्शन रेनबो एक बार प्ले करेंगे हम। थोड़ा फास्ट रखेंगे। ओके, पावरमिल सॉफ्टवेयर बहुत सिंपल है, प्रोग्रामिंग के लिए बहुत सिंपल है, फास्ट और सिंपल। अगर इसमें थोड़ा टाइम दिए तो आप लोग को बहुत सीखने के लिए मिलेगा। ये इसमें बहुत कुछ फ्यूचर है, बहुत फ्यूचर है सीखने के लिए, बहुत कुछ करने के लिए इसमें है। अगर टाइम दिए तो बहुत सीख सकते इसमें से। ओके फ्रेंड, यह हमारा था टूल पथ फ्यूचर एरिया मशीनिंग। फ्यूचर मशीनिंग में फ्यूचर एरिया क्लियरेंस ये है, फर्स्ट टूल पथ है। नेक्स्ट हम देखेंगे ऐसा सीरियल में एक एक टूल पथ देखेंगे। अगर मेरा ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब करें तो आप लोग को क्या है, कभी भी मैं वीडियो डाले तो आपको नोटिफिकेशन आएगा, आपको ढूंढने का ज़रूरत नहीं है, आपके पास आएगा वो। सब्सक्राइब करें तो, सब्सक्राइब करने के टाइम में बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, ताकि मैं कभी भी वीडियो डाले तो आपको नोटिफिकेशन आए।
ओके फ्रेंड, अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब करें तो आपको कुछ सीखने को, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि मैं इसी टाइप का वीडियो बहुत सारे लेके आ रहा हूँ, मास्टर कैम में भी और 2D प्रोग्राम, मशीन का 2D प्रोग्राम भी और पावर मिल भी, और आगे फ्यूचर में भी बहुत कुछ डालने वाला हूँ। ओके, प्रोग्राम का पूरा पैकेज रहता है इसमें, 2D होने दो, पावर मिल का 3D होने दो, मास्टर कैम का 2D होने दो, मास्टर कैम का 3D होने दो, पूरा इसमें पैकेज रहेगा। इसमें कोई भी अगर आपको कंटिन्यू इसमें देख रहे हैं तो आपको कुछ ना कुछ ज़रूर आप उसमें से सीखेंगे। ओके फ्रेंड, थैंक यू।